गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा रॉय ब्लॉग्स। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, 8:20 हो रहे हैं और अब हम चले यूनिवर्सिटी की तरफ। और आज प्रैक्टिकल है हमारा परफ्यूजन का। परफ्यूजन सब्जेक्ट है, मैं आपको आराम से बताऊंगी। तो ये कार्डियोवैस्कुलर वाले तो समझ गए होंगे, बाकी मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी आज क्या क्या हुआ। और मेरा तो पूरा इरादा है कि अब डेली व्लॉगिंग शुरू करेंगे। ओके, सो कौन कौन डेली व्लॉगिंग के लिए रेडी है ज़रा मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। आज मैं यूनिफॉर्म में हूँ, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में, और लैब कोट मैंने कैरी किया हुआ है क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिकल है तो हमें लैब कोट चाहिए होता है। बाल में वहाँ जाके टाई अप कर लूँगी। और बस आपको तो पता ही है कितना कितने चोचले होते हैं इन सब के। हेड कैप लगाओ, हैंड ग्लव्स पहनो, नेल्स कटे होने चाहिए जो कि मेरे हैं नहीं फिलहाल, बड़े बड़े नेल्स हो रखे हैं, बस नेल्स बड़े हैं और कुछ नहीं। तो आइए चलते हैं। तो अभी मुझे पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, मैं जस्ट अभी घर से निकली हूँ। सिर्फ जॉब पहुँच चुके हैं और यहाँ से बिजनेस में भी जा रही हूँ। रास्ते में मैं बस थोड़ा बहुत मैं पढ़ के आई हूँ कार्डियो पल्मोनरी के बारे में, बस इतना ही पढ़ा है मैंने। देखते हैं क्या होता है। हमारी फैकल्टी भी दिख नहीं रही है। ये हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, घर पे काम करते नहीं है, इनको यहाँ काम करना होता है मंडे को। और ये रश्मि तो बस पूछो मत, इसकी तो फाइल ही कंप्लीट ना होती। रहन दे, तो बस रहन दे। अरे हो जाएगा, इसका लास्ट तक हो जाएगा। और ये लाती नहीं फाइल। अरे मैं हमेशा लाती हूँ, बस आज नहीं लाई हूँ। हाँ, इसने बताइए रश्मि ने क्या करा। रश्मि ने क्या करा, जरा रश्मि अपने मुंह से बताइए आप। चुराई है तूने। और हम यहाँ पे लैब रूम में बैठे हुए हैं, मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल रूम जहाँ पे होता है। और आपको हकीकत दिखाऊं लैब रूम की। यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ लिखना इनका होता है, बस ये लिखते ही रहते हैं यहाँ पे। ये हमारे क्लासमेट्स हैं और मैंने फाइनली इसको कंप्लीट करवा के चेक करवा ली है। और ये देखो कैसे बच्चे हैं, ना ये फाइल लिख पा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तब से बस चटर चटर नहीं। अच्छा अच्छा, कवर नहीं है तुम्हारा, कवर ना लगा। नंबर काटूंगी तुम्हारे में, नंबर काटूंगी गिन गिन के। तुम दिखाओ, तुम्हारे भी कवर नहीं है। देख रही है, जिस दिन एक्सपेरिमेंट लिखा है उस दिन चेक कर आइए। सर कर लो प्रेरणा, पूरी का पूरी 28 दिन देखो तुम। कोई बात नहीं सर, मैं इसीलिए बैठी हूँ ताकि सर भी तो, सर को पता चले क्लास में किस किस टाइप के बच्चे हैं। अरे सर को पता तो चले प्रेरणा के बच्चे हैं, ये तो बस पूछो ही ना। हाँ माय गॉड। तो ये हमारी अटेंडेंस, मतलब जो भी है हमारा अटेंडेंस का नाम, अटेंडेंस सर को सबमिट करने के लिए। हमारी आधी क्लास खत्म हो चुकी है, अब 2 बची हुई है, सिर्फ 2 बची हुई है। ये हमारे थके हुए चेहरे हैं। सो गाइस, 2 घंटे की भी एक और क्लास बची हुई है, और जो क्लास है वो सेम सब्जेक्ट की है लेकिन टीचर्स अलग है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। एक एक दिन में 3 दिन बाद हमारी, पता है, एक ही सब्जेक्ट को 3-3 बार पढ़ाया जा रहा है, बस पूछो मत। एक ही सब्जेक्ट को सुबह से 3-3 बार पढ़ रहे हैं। हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं, बस सारा दिन यही करते रहते हैं, ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते हैं। एक ही फ्लोर पे होती ना हमारी क्लास। और आज का दिन बहुत हैक्टिक था, बताओ कैसे। इन लोगों ने असाइनमेंट नहीं बनाई थी और फिर हमारा प्लस प्रैक्टिकल था। लेकिन प्रैक्टिकल हमारा सही गया क्योंकि आज प्रैक्टिकल था और कल वाइवा होगा हमारा,
तो 2 दिन का हमारा प्रैक्टिकल हो गया बस। बच्चे भी ना आ रहे, देखो पूरी क्लास खाली है। घर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप दोनों इन दोनों का चेहरा देख लो। और मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि उनका सामान कौन छेड़ रहा है। ये मकड़ा चौधरी मकड़ा चौधरी हाँ, ये गजरोला चौधरी है। आज का दिन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। आपको पता है एक एक सब्जेक्ट के 3-3 घंटे क्लास होते थे ना, बोर हो जाते समझो, अलग टॉपिक ही नहीं मिलता। और पढ़ाते क्या है, हैंड हाइजीन। पता क्या पढ़ाते हैं, हैंड हाइजीन। हाँ तो हाथ कितना ही साफ करे दिन में 10 बार। कोविड हो रहा है क्या हमारे, कोविड हो रहा है। आने का वक्त आ चुका है और आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं तो हमारे साथ आ रही है। कितनी धूप हो रही है ना, मैं अपने घर जा रही हूँ। अबे रिसेप्ट की अभी जरूरत ही क्या है, बाहर में से कोई कोने में से। सो गाइस ये दिल्ली वाले देखो कैसे भागेंगे अब कैब के लिए। तुम लड़ लो, पहले लड़ लो, आज सारी प्रोनंसिएशन कर लो। साइलेंट नहीं करूंगा, कौन क्या कर लेगा मेरा, बताओ बेटा। ऑक्सफोर्ड वाले ना तुम्हारा तुम्हारा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखेंगे, जो भी बुक होती है उसमें लिखेंगे। तो हिंदी में रसीद बोल दूं भाई। नहीं तू रसीद ही बोल, रसीदें नहीं मिल रही, मत बोल तू रिसिप्ट। मैं तो रसीद बोल, देखो कैसे भागेंगे ये सब। आ चुकी हूँ और मैं थक चुकी हूँ थोड़ा सा, और मैंने सोचा कि आज मैं आज से मैं अपना थोड़ा चेहरों का यू नो ध्यान व्यान रखा करूँ, क्योंकि मेरे चेहरे में जो गाल है ना वो बहुत, चीक्स जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, वो ना रेडनेस आ रही है इस पर ड्राई स्किन की वजह से। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका कुछ करूँ ड्राइनेस के लिए, मैं करूँगी इसका और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया है। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था और बस बहुत हेक्टिक था, ऊपर से 1 घंटे जाना आना बहुत हो जाता है। बस अभी व्लॉग एंड नहीं होगा, अभी हम नेक्स्ट डे अभी हम करेंगे ऐसे डेली व्लॉगिंग्स हम करेंगे, इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स नहीं है। मैं सोच रही हूँ डेली व्लॉगिंग्स इज़ मस्ट, यू नो, कनेक्ट रहना और अपनी बातें शेयर करना, अपना डेली एक्टिविटी दिखाना कि हम लोग कॉलेज कैसे इंजॉय करते हैं। और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को बहुत इंजॉय करने को मिलेगा, हर एक मोमेंट, हर एक चीज, एवरीथिंग। कुछ साल बचे इंजॉय कर लो, फिर तो वही है पढ़ाई पैसा, बस ये करना है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी लाइक 6 बज रहे हैं और मैंने अलार्म लगाया हुआ था तो मैं उठ गई और बस उठना है। आज ही कॉलेज जाना है थर्सडे को, फ्राइडे सैटरडे हमारा ऑफ होता है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं चली जाऊँ क्योंकि आज हमारी टोटल 6 क्लासेस है और छूटनी नहीं चाहिए 6 क्लासेस। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, 75 अटेंडेंस करनी है अभी मुझे। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो गाइज दिख भी ना रहा गाइज, तो गाइज हम कॉलेज पहुँच चुके हैं। आज बारिश का मौसम हो रखा था बट अभी ठीक है। और ये हम हवाई बन के आए हैं, बाल वाल सब उड़ रहे हैं, पड़ेगी बारिश। आज हमारा वाइवा भी है, हाँ पहुँच गए, मुझे लगा पहुँच जाए तो ना 80 में पहुँचा दी, इसलिए पहुँच गए हम लोग। सो गाइस अभी हम सेकंड फ्लोर पर हैं और हमारा जो प्रैक्टिकल रूम है वो 5th फ्लोर पर है और यहाँ पे लिफ्ट ख़राब है, रोज का ही रोना है ना, कभी लिफ्ट ठीक रहती है और ऊपर से भीड़ इतनी है कि हमें दूसरी सीढ़ी से आना पड़ रहा है, रेस बिल्कुल सुनसान है। तो गाइस आज यशा की तबीयत ख़राब है बट स्टिल आइए वो अटेंडेंस के मारे। हंसना नहीं चाहिए, प्रमोट करना चाहिए लोगों को, समझ जाएगी। हम थक चुके हैं नीचे से ऊपर आते आते, मैं बेचारी इसका वेट देख, और यशा का बैग ना कम से कम 6-7 किलो का तो होगा ही होगा, 15 किलो और बैग भी लेकर आया, फिर हम दोनों खुद भी चढ़ कर आए, थक गए।
हाँ देखिए देखो यहाँ पे दो चेयर रखी हुई थी सीढ़ियों के सामने, हमने सोचा ये मौका क्यों छोड़े, बैठ गए हम भी टांग पे सर के। ये देख, हाँ क्या करना है, ले जा ऊपर ले जा, चलो फरिश्ता आ गया एक, ले जा ये बैग ले जा ऊपर। लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप भी लेके आई, अच्छा हाँ यशा का ही है। गाइस लैपटॉप था इस बैग में और मुझे लगा बॉटल है। व्यू आ रहा है यहाँ पे, व्यू ही प्यारा है, लिफ्ट बहुत ख़राब है यहाँ की। गाली ना देते, हमारा फैमिली व्लॉग है। तो प्यारा व्यू है यहाँ से, जंगल है। हाँ जंगल है, बताऊँ तुझे गाइस। श्रेया मैं आपको ना श्रेया का बैग दिखाऊंगी, वो बिल्कुल उसी के जैसा है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी क्लास पे, देखो श्रेया का बैग दिखाती हूँ आपको, श्रेया का बैग दिखाती हूँ। अरे भाई वाह चल रहा है और देखो कैसे चल रहा है, भाई वाह चल रहा है यहाँ पे, भाई वाह चल रहा है। हमें कुछ आता नहीं है, हम पढ़ते हैं नहीं, एग्ज़ाम में हम दोनों चीटिंग करते हैं। जो मुझे आता है वो मुझे ये बताती है और जो मुझे नहीं आता वो ये बताती है। क्या बोलना चाहती है, मतलब अरे मतलब कौन सी हम आधा आधा सिलेबस पढ़ के आते हैं, अगर चार यूनिट है दो ये पढ़ जाते हैं, दो मैं पढ़ के आती, जो हार्ड होती है वो ये पढ़ के आती, जो ईजी होती है मैं पढ़ के आती, मैं पढ़ के नहीं आती। और जो नहीं आता मैं वायरल नहीं करती, और जो मैं पढ़ के आती, और जो नहीं आता वो हम आस पास वाला जब पूछ लेते हैं। और अभी हमें वाइवा में जाके क्या बोलना है, हमें कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अभी, इतने नालायक भी ना है, पढ़ते हैं पास हो जाते हैं बहुत है डिग्री में। आज तो सर ने हमारी अच्छी खासी क्लास लगा दी, क्योंकि एक मंथ हो चुका और हम लोगों ने रिसर्च पेपर नहीं किया है, और ये देखो कितने बदमाश बच्चे उंगली कर रहे हैं। अबे रश्मि की वीडियो बना, सर की फेवरेट है। तो गाइस हम आपको एक चीज दिखाते हैं, रुको एक मिनट। ये हमारी जो क्लास है ना वो फार्मा लैब में होती है, और हम लोग ने यहाँ पे छुपे हुए हैं, क्योंकि सर ने अगर देख लिया ना हमसे बोलेंगे रिसर्च पेपर बनवानी है, पेपर तो पेपर कहाँ है तुम्हारा, काम कहाँ है करके दिखा। और हम लोगों ने एक सर ने हमें 10 तारीख तक कितना 15 का अल्टीमेटम दिया, लेकिन हम तो एक महीने से हम लोगों ने किया नहीं है काम, बिल्कुल 2 महीने नालायक बच्चे हैं बिल्कुल। सर को हमसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए 40 पेपर पढ़ के आओ फिर उसमें से लिखो। अब बताओ हमारी शक्लें देख के लगा है कि 25 पेजेस लिखने हैं कि हम एक पेपर भी लिख सकते हैं, एक टॉपिक ना हो पाए हमसे, मेरे बस के तो ना है कुछ भी। जो हमने हमारा जो दिन है ना वो एक घंटे तो सर ने लेक्चर दे के निकाल दिया, अब क्या ही करें अब खड़। और ऊपर से पता है इस लैब में ना एकदम ही चेयर ना है, और हम सारे खड़े होके हम लोग यहाँ पे बताओ रिसर्च पेपर करें, ऐसे कोई रिसर्च पेपर होता है। गाइज हमारी ना IPR की क्लास है, और इसमें ना रिसर्च पेपर का काम होता है, और एक महीने से हमारी इसकी ना क्लास नहीं लगी, और आज हमने ना क्लास लगा, और आज हम लोग आए हैं ये क्लास लेने के लिए। तो आपको पता है क्या क्या हुआ, सर ने आज एटलीस्ट हम लोग को 1 घंटे लेक्चर दिया पहले, फिर उसके बाद हम लोग देखो लैपटॉप, फिर हम लोग लैपटॉप लेके बैठे कि ये दिखाने के लिए कि हम रिसर्च पेपर कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ बस चुमा दे। और अभी ना अटेंडेंस का टाइम हो गया, सर अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं हमारी। तो ये 5 बज रहे हैं और मैं अराउंड 4 बजे आ चुकी थी, और बस आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं बस, और देखते हैं संडे को क्या स्पेशल करेंगे, क्योंकि संडे को हमारी 2 क्लासेस होती हैं, तो हमने सोचा है कि हम वहीं पे कुछ करें, और या फिर जो भी है हम आपसे शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या किया संडे को। संडे हमारा फंडे होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड प्लीज़ गाइज़ लाइक करें, और जो भी आपके सवाल हो आप करें, क्योंकि इस बार कंफर्म है मैं रिव्यू दूंगी, क्योंकि बच्चों के एडमिशन्स होने वाले हैं। सो जिनका सवाल है मैं चाहूंगी कि मैं उनकी हेल्प करूं। और बस गाइस ठंड लग रही है थोड़ी सी, बाहर से आई हूँ ना, तो बस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय।
एंड अगेन मिलते हैं एक अनदर कंटेंट के साथ, अनदर ब्लॉग के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.